जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु नानक माना है उन्होंने पाया है। एक घटना भाई साहब भाई गुरुकृपाल सिंह जी ने सुनाई, लंदन में गया जिस एक सिख अपने घर पे ले गया कि कई अंग्रेज उसके घर में काम कर रहे हैं। सिख ने कहा, कहने के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है घर में, सुंदर कमरा, मैं रोज मेरा नियम है कि मैं गुरु साहिब जी को प्रसादी का भोग लगाता हूँ। एक दिन मुझे बाहर जाना पड़ गया तो मैंने अपने जो अंग्रेज नौकर है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भोग अस्तु लगा, वो रोज देखता था कि सेठ अंदर जाते और थाल लेकर आते, उसे लगता था कि गुरु महाराज खाते हैं। अब वो जो चला गया मालिक, ये अंग्रेज थाल लेके अंदर गए, जब कहने लगे जब मैं वापस आया तो ये वहीं बैठा है और थाल खाली है, जूठा थाल, सब्जियां भी नहीं है, जैसे खाके खत्म होते हैं झूठे बर्तन पड़े हैं वैसे पड़े हैं, वो भी गुरु साहिब जी के साथ में। हर से बोलिए धन गुरु नानक, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश के साथ में। तो कहने लगे मुझे गुस्सा आ गया, ये इसने क्या किया, अंदर बैठ के भोजन खा लिया और झूठे थाल यहाँ रख दिए। कहने लगे मैंने आते पूछा ये तूने क्या किया, तो कहने लगा क्या किया, मैंने तो सिर्फ भोजन खिलाया ही नहीं, आपने कहा था खिला देना। कहने लगे भाई खाकर झूठे बर्तन रखता है, ऊपर से झूठ बोलता, कहने मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। पर वो जोर जोर से रोने लगा, कहते मारा क्यों, ये जो ये आए थे खाने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्वरूप था, इशारा करके कहते ये आए थे खाने घोड़े पर, नीचे जाके देखो घोड़ा बंधा वहाँ बांधा था पेड़ पर गार्डन में। कहने लगे जब मैं नीचे उतर के गया तो मेरे गार्डन में पेड़ पे जो घास है गीली, नीचे मिट्टी थी गीली, वहाँ पर घोड़े के पैरों के निशान, पूरे एरिया में वहाँ पर घोड़े है ही नहीं दूर दूर तक। कहने लगे वो इतने भोलेपन से कह रहा था कि ये आकर खा के गए। कहने लगे मेरा रोना निकल गया, वो अंग्रेज जिसे पता ही नहीं ये क्या है पर उसे लगा कि खिलाना, वो बेंतिया कर रहा है, इंग्लिश में कह रहा है कि खाओ नहीं तो मालिक आके डांटेगा। जिसने गुरु नानक माना उसे गुरु नानक मिले।